ठीक है, आप जब बात करते हैं तो मैं डिस्टर्ब होता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग बोर्ड की तरफ देखें और आपको एट अ टाइम क्लास में वो चीज़ें याद हो जाएं, ठीक। साइंस आपको घर में जाकर सिर्फ एक बार पढ़ना पड़ेगा और याद हो जाएगा। तो आप बीच में एक दूसरे से पूछा ना करिए, आप मेरे से पूछिए। अगर मेरे को पता होगा तो मैं आपको बताऊँगा, नहीं पता होगा तो मैं खोज के आऊँगा फिर बताऊँगा। उसमें आयरन नहीं होता है, विटामिन के में। पूछा था कल मेघराज कि विटामिन के में आयरन होता है क्या, तो मैं खोजा फिब्रिन होता है, फिब्रिन जो जुड़ते आता है और क्लॉट कराता है, ठीक है। तो कल कंप्लीट कर चुके थे, एक बार रिपीट करेंगे वापस। अब हम लोग इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं एक बार। देखिए, जैसे मैं बनाया हूँ नोट्स जो आपको दिया हूँ, वो दो स्टेप में है, ठीक। पहला स्टेप आपका थ्योरी है, उस थ्योरी के साथ ही हम लोग उसका क्वेश्चन देखते जा रहे थे। उसके बाद, ठीक है, जो बाकी अन्य तथ्य या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स करके दिया है, वो बहुत सारे क्वेश्चन जो कई सालों से पूछे जा रहे हैं अलग अलग एग्जाम में, वहाँ से। तो जनरली क्या होता है कि कई बार उसी जोन से क्वेश्चन पूछ लेता है, क्लियर। तो मैं आपको फिर से वो क्वेश्चन आपको दिया हूँ, अगर आप जब आप क्वेश्चन लगाएंगे दूसरे अनसॉल्व से, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये फैक्ट आपको मिलेगा। तो आपको और मदद मतलब खोजना नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आप पहले उसका थ्योरी पढ़िए, फिर इम्पॉर्टेंट फैक्ट पढ़िए, ठीक है। फिर दोनों को एक साथ फिर मिला के पढ़िए, फिर क्वेश्चन लगाइए, सिंपल। तो हम लोग ग्लैंड से शुरू किए थे, ग्लैंड कंप्लीट कर चुके थे। ग्लैंड देखे, हार्मोन्स देखे, फिर विटामिन देखे, ओके। अब इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट लाइन बाय लाइन देखते हैं, फिर इसको एक बार वापस और रिपीट करेंगे। चलिए, तो यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे, इसका महत्वपूर्ण तथ्य में आए थे। चलिए पहला देखते हैं। सबसे पहले कैंसर रोधी विटामिन या एंटी कैंसर विटामिन कल पढ़ें, तो ऐसा विटामिन जो क्या करेगा, कैंसर को ठीक करने में, ठीक तो कर नहीं पाएगा, ठीक करने में मदद करेगा। इट विल प्ले अ सपोर्टिव रोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो वो विटामिन कहलाएगा एंटी कैंसर विटामिन। कौन सा पढ़े थे? विटामिन बी सेवन। सेवन से क्या याद रखे थे, कौन सा विटामिन? दूसरा नाम बायोटिन, इसे क्या कहा गया था? बायोटिन। और क्या कहा गया? विटामिन एच। तो अब जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो पूरे फैक्ट एक बार वापस से रिकॉल कर लीजिएगा। तो पहला फैक्ट क्या देखे, एंटी कैंसर विटामिन या प्रतिरोधी या प्रति कैंसर विटामिन किसे कहा गया, किसे कहा गया है? विटामिन बी सेवन को कैसे याद रखे थे? सा और बा, सांबा से याद रखे थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, विटामिन बी सेवन को कहा जाता है बायोटिन या विटामिन एच, ठीक है। तो वापस आप जो पहले पढ़े इसको बार बार रिकॉल करिएगा, सिंपल है। एंटी कैंसर विटामिन ऐसा विटामिन जो कैंसर की चिकित्सा में एक सहायक भूमिका अदा करता है, तो सहायक भूमिका अदा कर रहा है, इसलिए विटामिन को क्या कहते हैं? सहायक आहार कारक, सप्लीमेंट्री फूड फैक्टर या सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल फैक्टर कहा जाता है, ठीक। वापस उसको रिकॉल करते जाइएगा। किसने कहा न्यूट्रिशनल फूड फैक्टर? हॉपकिंस, फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस ने कहा। इसके अलावा फिर और क्या देखे थे? दो नाम याद किए थे। फिर सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसने दिया विटामिन का कॉन्सेप्ट? कैसिमर पंक ने दिया। कब दिया? 1911-12, 1911-12। कहाँ का वैज्ञानिक था? पोलैंड, ठीक है। कितने विटामिन अभी तक याद खोजे जा चुके हैं? 20 या मोर देन 25 विटामिन खोजे जा चुके हैं, ठीक। तो ये हो गया पहला फैक्ट, एंटी कैंसर विटामिन। चलिए आगे देखते हैं दूसरा, एंटी स्कर्वी विटामिन। ऐसा कौन सा विटामिन है जो स्कर्वी से बचाएगा? विटामिन सी, ठीक है। पढ़े थे ना कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी, ठीक। अब इसको वापस देखें, विटामिन सी को और क्या कहा गया था? एस्कॉर्बिक एसिड। कैसे याद किए थे? सी ए, ऐसे याद किए थे ना। तो विटामिन सी का दूसरा नाम या कहे विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। उसी कमी से कौन सा रोग? स्कर्वी। स्कर्वी अगर कभी पूछ दिया कि स्कर्वी में क्या होता है, तो वही वापस स्किन डिजीज, माउथ में अल्सर, छाले पड़ने लग जाएंगे, जीभ पे छोटे छोटे घाव होने लग जाते हैं, और मसूड़ों से क्या निकलता है? पस निकलता है, मतलब गम्स से पस आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका स्कर्वी। फिर इसमें देखे थे इसका बेस्ट सोर्स, सबसे उत्तम स्रोत क्या है? आंवला। और दूसरा नींबू वंश के फल, साइट्रस फैमिली, जैसे नींबू है, संतरा है, ये सब इसमें आएंगे, ठीक है। ये हो गया विटामिन सी। विटामिन सी को क्या कहा जाता है? एंटी स्कर्वी विटामिन कहा जाता है। उसके बाद कोलिन की कमी से क्या होता है, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि कोलिन क्या है। कोलिन वो वाला कोलिन नहीं है ना, ऐसे साफ करने वाला कोलिन नहीं है, ठीक है। ये कोलिन भी क्या है? एक पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट है ये भी। पोषक तत्व मतलब ये क्या है? अ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, ये लाइक अ विटामिन, विटामिन के जैसा न्यूट्रिएंट है। कैसा विटामिन होता है? वाटर सॉल्युबल विटामिन।
तो जो जल में घुलनशील विटामिन है उसी के जैसा होता है, और ये क्या है, पोषक तत्व है कॉलिन। क्लियर? नहीं पूछेगा कॉलिन क्या है, कभी नहीं पूछेगा, बहुत डीप है। एक लेसिथिन करके प्रोडक्ट होता है, लेसिथिन से बनता है कॉलिन। ठीक, तो पहले इतने ही बस समझना है कि कॉलिन क्या है। कॉलिन एक पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट है, जो किसके जैसा होता है, वाटर सोल्युबल विटामिन के जैसा होता है। और वाटर सोल्युबल विटामिन कौन कौन से, बी और सी, और फैट सोल्युबल विटामिन ए डी ई के। ठीक है, तो अगर शरीर में कॉलिन की कमी हो जाएगी तो क्या होता है, तो कॉलिन की कमी से कुछ इस तरीके से लीवर होता है, लीवर की आकृति कुछ ऐसी होती है। ठीक, इस लीवर के चारों तरफ फैट डिपॉजिट हो जाता है, वसा जो है वो क्या हो जाएगा, इसके चारों तरफ जमा होने लग जाता है। किसके चारों तरफ, लीवर के। ये लीवर है, लीवर के चारों तरफ वसा यानी कि फैट डिपॉजिट होने लग जाता है, तो ये कंडीशन कहलाती है फैटी लीवर। जब इसके चारों तरफ फैट डिपॉजिट हो जाएगा ये कहलाता है फैटी लीवर, ऐसा लीवर जिसमें काफ़ी सारा फैट डिपॉजिट हो जाएगा, इसी को बोलते हैं फैटी लीवर। तो कॉलिन की कमी से क्या होता है, कॉलिन की कमी से लीवर में फैट यानी कि वसा का संग्रह हो जाता है, और ये कंडीशन कहलाती है फैटी लीवर। ठीक है, तो कॉलिन क्या है, तो कॉलिन एक पोषक तत्व है जो जल में घुलनशील विटामिन की तरह ही कार्य करता है। कॉलिन की कमी से क्या होता है, कॉलिन की कमी से लीवर के चारों तरफ वसा का संग्रह हो जाता है। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कॉलिन द एक्सेस फैट विल एक्यूमुलेट अराउंड द लीवर एंड दैट कंडीशन विल बी नोन एज फैटी लीवर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कॉलिन न्यूट्रिएंट है, फैट का घातक वातक कुछ नहीं है। ठीक है, फैट को पचाने में मदद करता है। ठीक, फैट को पचाने में, इट मींस डाइजेशन ऑफ फैट, उसमें लेसिथिन या ये कॉलिन मदद करता है। तो अगर कॉलिन नहीं होगा तो फैट का डाइजेशन होगा नहीं, डाइजेशन होगा नहीं तो फैट डिपॉजिट होने लग जाएगा। ठीक, ये हो गया एक फैक्टर। फिर उसके बाद आते हैं विटामिन जिनका मानव शरीर में संश्लेषण होता है। ठीक, तो ऐसे कौन से विटामिन हैं जो ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में उनका संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होता है। ठीक है, विटामिन डी और विटामिन बी टू भी, बहुत सारे विटामिन हैं जिसमें कॉमन है विटामिन डी और विटामिन बी टू। बी टू मतलब राइबोफ्लेविन, टूरा से याद रखे थे, बी टू मतलब टूरा। ठीक है, तो इसमें मेन अगर कभी कुछ ऑप्शन आ जाएगा ना तो हमेशा आप विटामिन डी ही लेना। तो कल पढ़े थे विटामिन डी, विटामिन डी को और क्या कहा जाता है, डी और सी, सी डी, कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम वाला आएगा तो कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो विटामिन डी को क्या कहा जाता है, कैल्सीफेरॉल भी कहा जाता है। तो विटामिन डी कैसे बना था, देखे थे एक डायग्राम से कि ऐसे सूर्य का प्रकाश आ रहा था, इसमें क्या रहेगी, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ये हमारे स्किन में आएगा और स्किन इसको विटामिन सी की सहायता से किस में कन्वर्ट कर देगा, विटामिन डी में कन्वर्ट कर देगा। ये हो गया ऐसे कौन से विटामिन हैं जिनका मानव शरीर में संश्लेषण होता है। द विटामिन विच आर सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी दैट विल बी विटामिन डी। कैसे होता है, सूर्य प्रकाश, उसमें पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेस, ये अल्ट्रावायलेट रेस स्किन में पहुंचती है और विटामिन सी की सहायता से ये कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी में। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो कहलाता है 7-hydroxycholecalciferol, मतलब काम करें है। ठीक है, तो वो बनेगा फिर अल्टीमेटली विटामिन डी। ये विटामिन डी यूज़ होगा और जो बचा हुआ विटामिन है वो कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस में क्या आ जाएगा, यूटिलाइज होगा और वो कहाँ इकट्ठा होने लग जाएगा, बोन में, हड्डियों में जाके इकट्ठा होने लग जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से हड्डियाँ मजबूत होगी। तो कैल्शियम और फास्फोरस से हड्डियाँ मजबूत होती है। ये फास्फोरस जब वायु के संपर्क में आता है तो जलने लग जाता है। ठीक है, फास्फोरस जब वायु के संपर्क में आएगा ना तो जलने लग जाता है। इसीलिए गांव के बाहर में जब हड्डियों को छोड़ दिया जाता है, पशुओं के हड्डियों को छोड़ दिया जाता है, तो जब वो हड्डियां टूटती हैं तो उससे फास्फोरस निकलता है तो वो थोड़ा सा जलने लग जाता है। इसको गांव बोलते हैं टोनी दिया भारत है, मतलब कोई टोनी दिया हुआ नहीं बारती है। ठीक है, वो फास्फोरस है ना, जो बोन का फास्फोरस, वो बाहर आता है और वायु के संपर्क में आने से जलने लग जाता है। सबको नहीं लिखना है, सबको लिख डाले। ह्यूमन बॉडी में कौन सा तत्व, कैल्शियम, सब बोन है ना, पूरा बोन कैल्शियम से बना, तो कैल्शियम पाया। ऑप्शन देख के लगाना, लेकिन ना ऑप्शन देख के लगाना क्या दिया है। ये हो गया आपका चावल, तो चावल के धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, मैं आपको बताया था कौन सा, बी वन। बी वन को क्या बोलते हैं, एक था थायमिन, ये क्या कहलाता है, थायमिन कहलाता है। और हमने पढ़ा था ना कि अनाज में पाया जाता है, अनाज के छिलकों में पाया जाता है। ठीक है, जितना आप धोएंगे उतना उसका विटामिन लॉस होता है। तो क्या करते हैं, पहले गांव में ऐसा होता था
कि जब कोई कमजोर है या जब कोई बीमारी से कमजोर हो गया तो उसको चावल का धोने के बाद जो पानी बचता था उसको दिया जाता है। ठीक है, पता होगा आपको, नहीं पता होगा तो सुन लीजिए कि कई बार क्या होता है, जो कमजोर होता है ना बीमारियों से, तो उनको चावल का पानी धोने के बाद, धो दिए चावल को, धान को नहीं बोल रहा हूँ ना, चावल दोनों अलग है, तो चावल को धोने के बाद का पानी दिया जाता है। ठीक, बहुत सारे डिजीज, बहुत सारे रोगों के ट्रीटमेंट के लिए चावल का पानी भी दिया जाता है साथ में। क्लियर, तो पहले क्या फैक्ट देखें कि चावल को अगर धो दिया जाए तो चावल के धोने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है, कौन सा, B1 कहलाता है थायमिन, थायमिन की कमी से होने वाला रोग बेरी पढ़े ऐसे, आप वापस एक एक बार रिकॉल करते जाइएगा। ठीक, B1 एक था, तो B1 को क्या कहा जाता है, थायमिन कहा जाता है। B1 का रासायनिक नाम, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। क्लियर, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा है कि अनाज के छिलकों में कौन सा विटामिन होता है, कौन सा, B1। B1 की कमी से कौन सा रोग, बेरी। फिर ये बेरी का लक्षण कल आपको मैं बता चुका हूँ कि बेरी होगा तो क्या क्या होगा, तो बेरी के लक्षण में क्या क्या देखे थे, पहला अपच, इनडाइजेशन, द फूड विल नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली, तो खट्टी डका रहेगी, उल्टी होगा, वोमिटिंग होगा, तो पहला अपच, अगर अपच होगा, फूड नहीं होगा, ढंग से पचेगा नहीं, तो कब्ज होगा, कॉन्स्टिपेशन, ये दो चीज देखे थे। उसके बाद दो सिस्टम को देखे थे, एक है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, इसकी गड़बड़ी होगी, और दूसरा हृदयक पेशियां, जो हार्ट की मसल है, वो भी क्या करेगी, सही तरीके से काम नहीं करेगी। ये सब लक्षण मिलते हैं बेरी में। छोटा सा विटामिन है, लेकिन इसकी वजह से जो जब बीमारियां होंगी तो उनके लक्षण जो है वो घातक हो जाते हैं। ठीक, तो बेरी के क्या लक्षण है, तो पहले क्या होगा, अपच, खाना पचेगा नहीं, उससे क्या होगा, कब्ज, और दो लक्षण अलग से है। ठीक है, एक है तंत्रिका तंत्र में, मतलब नर्वस सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, और दूसरा है जो हार्ट की मसल होती है, हृदय की पेशियां होती है, वो सही तरीके से कार्य नहीं करेगी। हृदय की पेशियां हृदय के धड़कन को प्रभावित करती है, मतलब हृदय की धड़कन वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। द हार्ट मसल, द कार्डियक मसल्स हेल्प्स इन द पल्सेशन और बीटिंग ऑफ द हार्ट विल नॉट पंप प्रॉपरली ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 और थायमिन। ठीक है, ये हो गया आपका बेरी। उसके बाद क्वेश्चन है, अनाज के छिलकों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, पढ़ लिए, कौन सा विटामिन, B1। B1 का दूसरा नाम थायमिन, B1 की डिफिशियंसी से बेरी। ठीक, वापस वही चीज़ें, बार बार चीज़ें रिपीट हो रही है, अब बार बार रिपीट करते जाइएगा। चलिए आगे बढ़े, उसके बाद फैक्ट है राइबोफ्लेविन विटामिन जी, इसको भी पढ़ चुके हैं, तो कौन सा विटामिन B2, क्या बोलते हैं, टू से पूरा, मतलब राइबोफ्लेविन, और क्या बोलते हैं इसको, जी, विटामिन जी, कैसे याद किए थे, टूरा जी, विटामिन B2 को क्या कहा जाता है, राइबोफ्लेविन या विटामिन जी कहा जाता है। फिर है मानव के आंत में, ठीक है, तो आंत समझते हैं सब, इंटेस्टाइन समझते हैं, ऐसे है मानव का पाचन संस्थान। ठीक है, यहाँ से खाना अंदर जाएगा, ये खाने की थैली यानी कि स्टमक है, उसके बाद ये आंत है, ये छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बड़ी आंत। तो जब मनुष्य का खाना पचता है तो खाना पचते यहाँ तक आंत तक आ जाता है, तो यहाँ तक जो है वो खाना इस आंत के द्वारा यानी इंटेस्टाइन के द्वारा अवशोषित होगा, एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद ये किसी काम का है नहीं। ये जो अब पचित भोजन है, जो भोजन पच चुका है और जिससे जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे जो अवशोषित होने थे, पोषक तत्व अवशोषित हो गया, अभी किसी काम का नहीं, ये कन्वर्ट होता है स्टूल में, स्टूल मतलब मल, ठीक है, ये कन्वर्ट होगा स्टूल में, तो इसको जो खाना पच गया है उसको बदलता है कौन, स्टूल में मतलब बैक्टीरियाज, कौन बदलते हैं, बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया जो भोजन पच गया है, जिसका अवशोषण हो गया है, द फूड विच आर डाइजेस्टेड एंड द फूड विच आर एब्जॉर्ब्ड By the intestine, जो आंत के द्वारा जिसका अवशोषण हो गया, अभी किसी काम का नहीं है, तो यहाँ रहने वाली बैक्टीरिया इसको क्या बदल, किसमें बदल देती है, स्टूल में बदल देती है। क्लियर, तो ये बैक्टीरिया इसके स्टूल में बदलने के साथ साथ कुछ विटामिन को भी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है,
विटामिन को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, और इस विटामिन को एब्जॉर्ब करने के बाद उसको इंटेस्टाइन में क्या कर लेती, स्टोर कर लेती। फिर जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको क्या करेगी, सिंथेसिस करेगी या बाहर रिलीज करती, ठीक है। तो ऐसे भी होते हैं, मतलब अगर ये इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, नुकसानदायक नहीं, ये क्या है, लाभदायक है। ये है तब तो विटामिन हम लोगों का एब्जॉर्ब हो रहा है, अवशोषित हो रहा है, स्टोर्ड हो पा रहा है। अगर ये नहीं होगा तो ये विटामिन कम हो जाएगी, होगा ना ऐसी। तो जो विटामिन B12 याद है आपको, साइनोकोबालामिन याद है ना, वो भी यही एब्जॉर्ब होता है। अगर यहाँ एब्जॉर्ब नहीं होगा तो मैं इसमें आपको बताया था ग्रीन कलर का स्टूल होता है, होगा ना, क्यों, क्योंकि यहाँ जो बैक्टीरियाज हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं, तो लेटरिंग कैसा हो जाएगा उसका, ग्रीन कलर का आता है। ये कहलाता है परनीशियस एनीमिया, उसी में है कि विटामिन B12 की कमी से परनीशियस एनीमिया होता है। परनीशियस एनीमिया में कैसा होता है, ग्रीन कलर्ड स्टूल होता है। तो ये पूछता है क्वेश्चन कि इसमें कौन कौन से विटामिन जो हैं वो आंत्र के बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं के द्वारा अवशोषित होते हैं, संश्लेषित होते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे, एक उसके बाद छः, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7, B1, B6, B7। ये जे विटामिन कहाँ अवशोषित या संश्लेषित होते हैं, तो यहाँ होते हैं, कहाँ, आंत्र में। आंत्र में यानी इंटेस्टाइन की कौन करती है, बैक्टीरियास करते हैं, वहाँ के जो जीवाणु है वो करते हैं। तो आंत्र में कौन सा होता है, लैक्टोबेसिलस, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। यही जो बैक्टीरिया है, अगर बाहर से इन्फेक्शन है, बाहर से कोई भी इन्फेक्शन वाला है बैक्टीरिया, वो क्या करेगा, ये वाले बैक्टीरिया को मार देगा। तो अब अपने लिए हाथ जो हम लोगों के लिए लाभदायक था, यूजफुल बैक्टीरिया, वो उसका अमाउंट, उसकी संख्या कम हो गई। बाहर से जो आया है इन्फेक्टेड बैक्टीरिया था, उसकी संख्या ज़्यादा हो गई, तो इसको क्या होगा, लूज मोशन होगा, होगा ना। तो इसको वापस हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर से वापस उस बैक्टीरिया का ग्रोथ करना पड़ेगा। तो क्या होता है, दस्त में पहले क्या करते थे, क्या देते थे, दही, दही में क्या है, लैक्टोबेसिलस, वापस लैक्टोबेसिलस वैसी आ जाएगा, सिंपल सा है। पुराने जमाने के लोग को नहीं पता था कि लैक्टोबेसिलस होता है, वो देखे होंगे दस्त होता है क्या खाने से ठीक हो जा रहा है, दही खाक देखे, हाँ, इसलिए कारण पता नहीं था, लेकिन ट्रीटमेंट वैसा ही है, सही। केला देते हैं ना, तो केला में कोई लैक्टोबेसिलस नहीं होता है, केला में फाइबर होता है। फाइबर क्या करता है, यहाँ पर जो स्टूल जो लूज हो रहा है ना, उसको थोड़ा सा हार्ड कर देता है, ठीक है। तो केला और दही देते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन की बैक्टीरिया जो क्या करती है, विटामिन का एब्जॉर्ब करती है या उसका सिंथेसिस करती है। जनरली B1, B6, B7 नहीं देता है, मेन अभी जो पूछ रहा है वो है B12, इसको याद रखना, B12 साइनोकोबालामीन, हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं ना, आज क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, ठीक। साइनोकोबालामीन क्या होता है, इसमें कोबाल्ट, कोबाल्ट होने की वजह से इसका रंग पिंक, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पिंक विटामिन। इसकी कमी से कौन सा रोग, परनीशियस एनीमिया, एनीमिया का एक प्रकार है परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया में कौन से कलर का स्टूल, ग्रीन कलर का स्टूल, ठीक। ये हो गया आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं, घाव भरने में उपयोग विटामिन, कल पढ़ाया था वुंड हीलिंग कौन करता है, विटामिन सी। तो हम लोगों के यहाँ कॉन्सेप्ट उल्टा है, हमारे यहाँ क्या किया जाता है कि चोट लगने पर, ऑपरेशन होने पर खट्टी चीज़ें मना की जाती है, लेकिन साइंस क्या बोलता है कि विटामिन सी क्या करता है, घाव को जल्दी भर देता है। दूसरा पेन है कि इसमें घाव तो डालते हैं, इसमें डाल। विटामिन सी के बहुत सारे काम देखे थे हम लोग। विटामिन सी क्या करता है, पहला तो ये क्या करेगा, घाव भरेगा, वुंड को हील करता है, ठीक है। दूसरा काम और क्या देखे थे, क्या करता है, विटामिन डी के अवशोषण में मदद करता है। तो विटामिन सी अच्छा है, ठीक ठाक अच्छा विटामिन। तो ये विटामिन सी हमारे शरीर को इन्फेक्शन से भी बचाता है, ठीक है, संक्रमण से भी बचाने में मदद करता है विटामिन सी, क्योंकि जो अगर एसिड है तो वो हमेशा बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक। जैसे आप अचार ले रहे हैं ना, अचार जो है वो भी नींबू से बना है ना, साइट्रस फैमिली का है, तो उसमें भी विटामिन सी का अमाउंट होता है, लेकिन उसमें अगर हम ज़्यादा नमक डाल दें तो विटामिन सी का अमाउंट कम हो जाता है, ठीक। तो ताज़े फलों में विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक। वापस देखिए, विटामिन सी को और क्या कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड, उसकी कमी से होने वाला रोग स्कर्वी। स्कर्वी में कहाँ पर दिखते हैं इसके लक्षण, स्किन में, ठीक है, स्किन में और माउथ में, मुँह में इसके लक्षण ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्या बन जाते हैं, अल्सर, ठीक है। उसके बाद मसूड़ों पे कुछ प्रभाव पड़ता है, हाँ, वहाँ से क्या निकलेगा, पस निकलेगा, ठीक। और विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला, और दूसरा क्या बोलेंगे, नींबू वंश के फल, और सब्जियों में भी होता है, जो सब्जी खट्टी होगी। ऐसे अपन छत्तीसगढ़िया लोग क्या खाते हैं, भाजी,
ठीक है। तो जो भाजी खट्टा होगा, जैसे खट्टा भाजी, उसमें क्या रहेगा आपका? विटामिन सी। ठीक, आगे आते हैं। शरीर की प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला सी हो गया, फिर ये विटामिन डी पढ़ चुके हैं। विटामिन डी कैसे बनता है? सूर्य की प्रकाश किरणें, उसमें अल्ट्रावायलेट रेज, उस अल्ट्रावायलेट रेज को स्किन में आएगा और स्किन उसको क्या करेगा? पहले अवशोषित करेगा और विटामिन सी की सहायता से इसको बदल देगा किसमें? विटामिन डी में। इसीलिए कहते हैं कि शरीर में संश्लेषित होने वाला, शरीर में जिसका बॉडी में सिंथेसिस होने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। विटामिन डी किसके लिए आवश्यक है? तो विटामिन डी हड्डियों के लिए, हड्डियों यानी बोन की वृद्धि ग्रोथ के लिए आवश्यक है। विटामिन डी कम होगा तो कौन सा रोग होगा? कैसे हो जाता है पैर? ऐसे पढ़ाया था ना कल, तो ऐसे बताया है तो कम से कम इतना याद रखना, वो दिख नहीं रहे उसको, टेबल में खड़े ऐसे हो जाएगा। पैर जो है वो आपस में चिपक जाते हैं ऐसे, जब एक घुटना चिपकता है ये कहलाता है जेनु बलगम, जब घुटना दूर हो जाता है ये कहलाता है जेनु वैरम। ठीक, अब नहीं होता है क्योंकि अब बच्चों में अगर आंगनबाड़ी खोल के रखे हैं ना, आंगनबाड़ी में वहाँ क्या किया जाता है? आहार पहुँचाया जाता है। पहुँचता है कि नहीं, बढ़ता है कि नहीं, वो विषय नहीं है, लेकिन सरकार की योजना है, उसको बोलते हैं पोषण पुनर्वास केंद्र भी खोला जाता है, NRC बोलते हैं जिसको, और आंगनबाड़ी भी खोला जाता है। ठीक है, आंगनबाड़ी कौन सी योजना से खोला गया? एकीकृत बाल समावेशित योजना, उसी से खोला है ना, 1975 सर पढ़ाए हैं, मगर मैं, मेरे की याद है सर पढ़ाए हैं, एकीकृत बाल समावेशित योजना 1975, उसी के द्वारा आंगनबाड़ी खोलते हैं। क्या पता बोल दोगे, हो गया। तो विटामिन डी एक बार वापस देखें, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, डी और सी या सी डी जैसा भी है वैसे याद करो, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। उसकी कमी से बच्चों में होने वाला रोग रिकेट्स, हिंदी में बोलते हैं सूखा रोग, हिंदी नाम भी याद रखना ना, सूखा रोग, ड्राई डिजीज नहीं है ना वो, सूखा रोग देख के इधर ड्राई डिजीज मत कर देना। सूखा रोग हिंदी में नाम दिया गया लेकिन एक्चुअली नाम उसका रिकेट्स है, और इंग्लिश में भी अगर रिकेट्स लिखा है ना तो हिंदी में भी वो रिकेट्स लिख के ही आएगा। और विटामिन डी की कमी से बड़ों में होने वाला रोग ऑस्टियोमलेशिया, जिसमें बोन कमजोर हो जाती है। ठीक है, और विटामिन डी बनता कैसे है? सूर्य प्रकाश है। कौन अवशोषित करता है? त्वचा। किसके सहायता से? विटामिन सी की सहायता से। ये हो गया, अच्छा क्वेश्चन है, इससे पूछता है। अब आते हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी दो टाइप से होता है, एक कहलाता है D2 और एक कहलाता है D3। ठीक है, जो D2 है वो कहलाता है अर्गोकैल्सीफेरॉल, अर्गोकैल्सीफेरॉल, जबकि D3 कहलाता है कॉलीकैल्सीफेरॉल। ये भी पूछा है D2 और D3। तो D2 अर्गोकैल्सीफेरॉल, D2 को क्या बोलते हैं? अर्गोकैल्सीफेरॉल, और D3 को कॉलीकैल्सीफेरॉल। विटामिन डी जो है वो दो रूप में होता है, अवशोषित होता है, D2 और D3 दोनों काम के हैं। तो अब अगर आपको कभी पेन किलर दिया जाएगा या किसी डॉक्टर के पास गए आप और आप बोले कि घुटनों में दर्द होता है, बोन को कोई कमजोरी है या कमजोरी लग रही है, तो आपको कैल्शियम और D2 या D3 की दवाई देता है। तब दवाई को सीधा खाने से पहले पीछे रैपर को देख लेना क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसमें लिखा रहता है कि कभी भी कैल्शियम की दवाई अकेले नहीं दी जाती, कैल्शियम तो को एब्जॉर्ब करेगा कौन? विटामिन डी उसके साथ काम करेगा, तभी दोनों काम कर पाएंगे, दोनों जाएंगे बोन में ना। तो कभी भी कैल्शियम की दवाई अकेले नहीं दी जाती, कैल्शियम के साथ या तो विटामिन D2 या तो विटामिन D3 दिया जाता है, दोनों एक साथ देंगे। तो जब D2 होगा तो क्या रहेगा? अर्गो कैल्सीफेरॉल, और D3 रहेगा तो कॉली कैल्सीफेरॉल। दोनों क्या है? विटामिन के रूप ही हैं, D2 और D3। इसको पूछा है D2 क्या है, D3 क्या है, किसको कहा जाता है? तो D2 अर्गो कैल्सीफेरॉल और D3 कॉली कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को क्या कहा जाता है? विटामिन डी को कॉली कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। एक बार का क्वेश्चन है, तो अपने को कैल्सीफेरॉल तो पता है, कैल्सीफेरॉल कहते हैं ना, तो चाहे अर्गो दे चाहे कैल्सी दे, ही मतलब है, फिर वहाँ कन्फ्यूज मत हो जाना, वो तो कैल्सीफेरॉल बताया थे, दूसरा टाइप से लग रहा है, तो नहीं भाई उसका रूप ही है। ठीक है, तो अगर इसका रासायनिक नाम कॉली कैल्सीफेरॉल या अर्गो कैल्सीफेरॉल देगा तो आंसर यही लगा लेना जो दिया है वो। क्लियर, क्या बता रहा हूँ? विटामिन डी को कहा जाता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से बच्चों में होता है रिकेट्स, बड़ों में होता है ऑस्टियोमलेशिया, दोनों में बोन कमजोर हो जाते हैं। बनता कैसे है? सूर्य की उपस्थिति में पराबैंगनी किरणें विटामिन सी की सहायता से विटामिन डी में बना देती है। ठीक है, विटामिन डी के दो रूप होते हैं, D2 और D3। D2 कहलाता है अर्गो कैल्सीफेरॉल और D3 कहलाता है कॉली कैल्सीफेरॉल। हो गया। विटामिन ए का प्रिकर्सर कैरोटीन पढ़े थे,
प्रिकर्सर मतलब ये इसको बनाएगा, हिंदी में बोलते हैं उसका पूर्वज। तो विटामिन ए किससे बनता है या विटामिन ए को बनाने में कौन मदद करता है? कैरोटीन। कैरोटीन अलग है और केराटिन अलग है ना, आंसर देख के लगाना क्या दिखा है। एक होता है कैरोटीन, ये दम तोड़ दिया, एक होता है कैरोटीन, ठीक है, और एक होता है केराटिन। तो ऐसा मत सोचना कि पीएससी जो है उससे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, दोनों अलग अलग है। कैरोटीन विटामिन का प्रिकर्सर है, किसका? ए का। और ये केराटिन एक प्रोटीन है जो हमारे बाल में, नाखून में, ठीक है, खुर में, हमारे नहीं जानवरों के, ठीक है, सींग में पाया जाता है। क्या? केराटिन। तो आंसर देख के लगाना ना, केराटिन और केराटिन। हो सकता है कि ये ना दिया हो, केराटिन दिया हो और कुछ और दिया हो, ठीक है, जो आपको पता है, दन से इसको लगा दिया, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। या प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, केराटिन एक प्रोटीन है, ऊपर में लिखे जहां पर भी लिखे, केराटिन एक प्रोटीन है जो केराटिन एक प्रोटीन है जो नाखून, बाल, सिंग, आपके नहीं, किसके? जानवरों के, सिंग सिंग हॉर्न और खुर में पाया जाता है, खुर में पाया जाता है, खुर खुर, अरे घोड़ा या गाय के नीचे जो पैर में जिसका नाखून होता है ना, खुर होता है, ठीक है, लिख लिए। द केराटिन इज अ प्रोटीन विच फॉर्म इन द हेयर, नेल, हॉर्न और खुर को क्या बोलते हैं? वही हुप, ठीक ठीक वही बोलते हैं। हाँ क्या हो गया, और चाहिए? ये तो है भाई, इसमें ब्लैक वाला दूँ? हो जाएगा नहीं होता, ऐसे ऐसे करके चला लें। हाँ हाँ बात नहीं करो, इसीलिए पहले समझा, बात नहीं किया करो, ठीक। ये हो गया आपका केराटिन, दिखिए तो आंसर लगा लोगे, केराटिन अलग है और कैरोटीन अलग है, कैरोटीन और केराटिन दोनों अलग अलग है ना। तो जिसमें कैरोटीन ज्यादा पाया जाएगा वही क्या कहलाएगा आपका? कैरोट मतलब गाजर, ठीक है। विटामिन ए का दूसरा नाम रेटिनॉल, अरे से याद रखिए ना, विटामिन ए का दूसरा नाम रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोप्थैल्मिया, रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर, हरी सब्जियां, ठीक है, फल, दूध, मांस, अंडा और सब। दूसरा मछली का तेल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉड लीवर ऑयल। तो कॉड लीवर ऑयल को भी आप लिख के रखना ना, अगर वो कॉड लीवर ऑयल करके दिया तो फिर आ नहीं कर दे रहे, ये क्या है भाई, पढ़े नहीं अपन। तो कॉड लीवर मतलब कॉड एक मछली है, उसके लीवर का तेल, उसमें क्या रहता है? विटामिन ए, वो होता है येलो कलर का। तो अगर आपको याद भी होगा ना, तो येलो कलर का हम लोग को सिरप पिलाया जाता था स्कूल में, ठीक। हाँ ये फिर तुम लोग का विवादित मुद्दा है, लो भाई जिसको जो करना है करो, उधर दे 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 उधर हो गया। अब उसके बाद विटामिन ए का प्रिकर्सर केराटिन हो गया, जीरोप्थैल्मिया आई डिजीज है पढ़ चुके हैं, विटामिन ए की कमी से होगा। फिर क्या देखे थे, एक और बात, कि अगर आंखों से रिलेटेड कोई भी बीमारी होगी, आई रिलेटेड डिजीज, उसमें क्या एक प्रमुख कारण होगा? विटामिन ए। इसलिए कहा जाता है ना कि गाजर खाओ बच्चों को, तो किसी को भी कहते हैं जैसे बच्चों को गाजर हरी सब्जियां खाने के लिए, क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें क्या है? विटामिन ए। विटामिन ए किस में मदद करता है? नेत्र रोगों में मदद करता है, ठीक। जो भी पीला फल होता है ना, पीला और लाल, उसमें कैरोटीन होता है, ठीक। पीला क्योंकि कैरोटीन का रंग ही जो रेटिनॉल होता है उसका रंग होता है पीला, तो एक्चुअली गाजर होता है वो पीले रंग का होता है, ठीक। देखोगे आप, एक पीला गाजर आता है, एक लाल गाजर आता है, दोनों में होता है। तो जो रंगीन फल होते हैं उसमें विटामिन ए ज़्यादा होता है, इसीलिए गर्भावस्था के समय, प्रेगनेंसी के समय माताओं को कहा जाता है कि हरा, लाल और पीला जो चीज़ है, चाहे वो भाजी हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो सब्जी हो, उसको खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें विटामिन ए सबसे ज़्यादा है। पालक में कौन सा विटामिन सबसे, क्या सबसे ज़्यादा होता है? आयरन, ठीक है। पालक, स्पिनिच, पालक में सबसे ज़्यादा क्या होता है? आयरन, आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। ऐसी सब तो पूछता है, साग भाजी फल फूल। नहीं नहीं, आयरन अलग है, आयरन वो खनिज लवण है, मिनरल्स है, अलग विटामिन ए में नहीं है। मैं ऐसी बताया, भाजी आ गया तो ऐसी बता दी, ठीक है। तो शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस दो चीज़ें होती हैं, कैल्शियम
और फास्फोरस अभी पढ़े, तो कैल्शियम और फास्फोरस, तो इसका शरीर में अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन करना और इसका उपयोग यानी कि यूटिलाइजेशन करना, दोनों किसके द्वारा होता है? ये डिपेंड करता है पूरा विटामिन डी के ऊपर। ठीक, तो कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? बोन के लिए। अगर बोन का बनना है, जैसे जैसे छोटे हैं हम लोग, ठीक है, छोटे हैं, तो उस समय कैल्शियम और फास्फोरस का की मात्रा ज़्यादा लगेगी, लगेगा ना। तो छोटे बच्चे क्या चिकन खाते हैं क्या? नहीं। किस पे डिपेंड है वो? दूध पे डिपेंड है, मिल्क पे डिपेंड है ना। इसका मतलब मिल्क में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता होगा, है? ये दो क्वेश्चन है ना, दो क्वेश्चन कैसे बन रहा है समझना। विटामिन्स को हमने क्या कहा? सहायक आहार कारक, सहायक आहार का कहा ना। तो दूध में कार्बोहाइड्रेट भी है, दूध में प्रोटीन भी है, दूध में इतने सारे विटामिन्स मिल रहे हैं, दूध में जल भी है और दूध में खनिज लवण भी है। मिल्क कंटेंस कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर, मिनरल्स, इसीलिए दूध को पूर्ण आहार कहा गया। कंप्लीट फूड किसे कहा गया? तो कंप्लीट फूड कहा गया किसे? दूध को। ये क्वेश्चन किसे पूर्ण आहार कहा गया? ऑप्शन देगा पहला चिकन, तुम दूसरा ऑप्शन देगा दाल। क्या लगाओगे? चिकन तो ठीक लग रहा है, इसी को लगा देते। दाल में भी पूरा प्रोटीन इसी को लगा देते हैं, नहीं? किसको कहा गया? दूध को। क्यों कहा गया? क्योंकि है इसमें। अब दूध में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, ठीक है, वाटर है, मिनरल्स है, इसके साथ साथ उसमें क्या है? कैल्शियम और फास्फोरस है। तो दूध में कैल्शियम और फास्फोरस है, तभी तो बच्चा जो अभी बढ़ रहा है वो कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंड करता है? मिल्क के ऊपर। और इस कैल्शियम और फास्फोरस को विटामिन डी, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों के द्वारा शरीर की त्वचा से बना है, वो विटामिन डी इन दोनों को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा। ये दोनों घूम रहे हैं, कैल्शियम और फास्फोरस, पूरी बॉडी में, ठीक है। बच्चा दूध पिया, पूरा बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस घूम रहे हैं। इसको बुलाता है कौन? विटामिन डी। इधर इधर तो बोला क्या हो गया साहब? तेरा अवशोषण भी करूंगा, एब्जॉर्ब भी करूंगा और तेरा यूटिलाइज भी करूंगा। तो पूछते हैं क्या यूटिलाइज करोगे? बोले आज तेरे मैं क्या बनाता हूँ? बोन। ये क्या बना देता है? इसका बोन। समझ गए? बॉडी में एक्सेस कैल्शियम और फास्फोरस ये भी डिपॉजिट हो जाता है कहाँ? बोन में। जैसा अभी, जैसे आप इस एज में है ना, 21 साल के बाद हाइट नहीं बढ़ती, हो गया 21 साल तक, उसके बाद कॉम्प्लेन पी लो, झूला झूल लो, जिम जाओ, कुछ भी कर लो, हाइट बढ़ने वाली नहीं है। यह है एक दूसरा क्वेश्चन, हाइट कब तक बढ़ती है? आयु में, आयु की किस सीमा तक ऊंचाई बढ़ती है? किस तक? 21 साल तक। तो कुछ लोग हो गए होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे, कुछ लोग ऑन पेपर होंगे, बताएंगे नहीं, ठीक है। तो 21 साल तक क्या बढ़ती है? हाइट बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी 21 साल तक जितना ग्रोथ करना है, जितना उसका अवशोषण करना है, उपयोग करना है, कर लेता है, 21 साल के बाद ये सरेंडर करता है, भाई मेरे काम का मतलब नहीं है, मैं ग्रोथ नहीं करवाऊंगा, मैं केवल और केवल क्या करूंगा? उसका डिपोजिशन बस कराऊंगा, स्टोरेज बस कराऊंगा। तो उसके बाद क्या होती है? बोन मजबूत होनी शुरू हो जाती है। महिलाएं दिखेंगी आपको ज़्यादा ओबेस, पर मतलब हेल्दी दिखेंगी, लेकिन उनका वेट कम होता है। वहीं एक पुरुष है, वो दिखेगा पतला लेकिन उसका वेट ज़्यादा होता है। कारण है यही। क्यों? क्योंकि उनके बोन में कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी कंडेंस्ड है, संघनित है, तो उनका बोन डेंस होता है। तो उनकी बोन डेंसिटी, बोन का घनत्व ज़्यादा होता है, मतलब बोन महिलाओं की तुलना में ज़्यादा भारी होता है। इसलिए पुरुषों का भार महिलाओं की तुलना में ज़्यादा भारी। एकदम ऐसे वाली महिला को भी ला लोगे ना, 60-70 भी आएगा, ऐसे फाफा वाले लेके आ जाओगे वो भी 80-70 तक पहुंच जाएगा। तो डिपेंड किसी ऊपर करता है? बोन की डेंसिटी के ऊपर। क्वेश्चन आपसे अलग अलग पूछेगा, जैसे ये देख लिए, दूध को क्या कहा जाता है? पूर्ण आहार कहा जाता है। दूध में क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस भी पाया जाता है। कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण उपयोग कौन करता है? विटामिन डी करता है। उसको कहाँ जाके स्टोर करता है? इसको यूटिलाइजेशन उपयोग कहाँ करता है? अस्थियों में, मसल में भी काम आएगा, मतलब मांसपेशियों में भी क्या करेगा? ये मदद करेगा, ठीक है। उसके बाद प्रतिसंक्रमण किस विटामिन को कहते हैं? तो विटामिन सी को देखे थे, इन्फेक्शन से बचाता है, और दूसरा विटामिन ए। प्रतिसंक्रमण मतलब एंटी इन्फेक्टिव, जो संक्रमण से बचाएगा। तो दो मिल गए हम लोगों को, विटामिन सी भी है और विटामिन ए, दो बार देख लिए। ये प्रतिरक्षा प्रणाली में, इम्यूनिटी में भी मदद करता है, और ये क्या करता है? इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। विटामिन ए का दूसरा नाम रेटिनॉल। कमी से होने वाला रोग रतौंधी। ये जो मुंह में बसा हुआ है ना, रतौंधी रतौंधी, विटामिन ए बोलने से रतौंधी बाहर आ जाता है, उसको थोड़ा कंट्रोल करो। क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। और दूसरा जीरोफ्थेल्मिया। दोनों किससे रिलेटेड है? ठीक है, विटामिन ए की डिफिशियंसी किस अंग से है? ठीक है, जैसे बेरी बेरी का पूछा है ना लक्षण, तो हो सकता है पूछ दे कि
जेरोप्थेल्मिया नाइट ब्लाइंडनेस किससे रिलेटेड है, किससे? आंख से। नाइट ब्लाइंडनेस में रात में पूरा नहीं दिखता है, धुंधला दिखता है या कम दिखता है, ठीक है। जेरोप्थेल्मिया भी वैसी है, इसमें क्या होता है आंख के पास धीरे धीरे अल्सर बनने लग जाते हैं, ठीक है। अल्सर मतलब छाले जैसे माउथ में बनता है ना, वैसे आंख में बनने लग जाता है, ये कहलाता है जेरोप्थेल्मिया। उसके बाद होठों का फटना, विटामिन बी टू की कमी से जो होते हैं लिप्स में क्रैकिंग आ जाती है, ठंड के समय होता है ना, तो ठंड के समय दूसरा कारण है ना, वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है, ओके। जैसे माउथ में अल्सर होता है, मुंह में छाले हो जाते हैं कई बार, तो आप जब डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपसे पहला सवाल ये पूछता है कि आपका खाना सही तरीके से पच रहा है कि नहीं, पहला सवाल ये पूछता है। दूसरा सवाल पूछता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज तो नहीं है, ठीक। उसके बाद पूछने के बाद डॉक्टर देखे आ करके दिखा कितना छाला हुआ है, उसके बाद आपको बी कॉम्प्लेक्स दे देता है, बिकासुल ही देता है ना, तो बिकासुल है क्या, पूरे विटामिन जो B1, B2, B6, B6, 12 तक आता है ना, पूरे बी विटामिन्स का ग्रुप है, क्लियर, समझ में? क्यों दिया समझना, क्योंकि उसको पता है कि इंटेस्टाइन में कुछ विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने वाले बैक्टीरिया हैं जो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से विटामिन बी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, ठीक। और ये विटामिन का जब एब्जॉर्ब नहीं होता है तो कहाँ फर्क पड़ता है, माउथ में, अभी पढ़े ना स्कर्वी में, इसमें सब में, बी में भी हो रहा था, किलोसिस पढ़े थे। तो अगर मैं इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया अगर विटामिन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं तो मैं बाहर से अगर विटामिन दे दूं तो वापस ठीक हो जाएगा, इसीलिए वो आपको क्या देता है, बिकासुल देता है, ठीक। और आप विटामिन सी दे सकते हो, क्योंकि विटामिन सी क्या करता है, घाव भरता है, वुंड को हील करता है, तो उसमें विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं, दोनों क्या करते हैं, हील करते हैं। तो होठों का फटना किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, B2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद पिंक विटामिन या गुलाबी विटामिन पढ़ चुके हैं, किसको बोलते हैं, B12 का दूसरा नाम साइनोकोबालामीन, कुछ भी बोला। तो इसमें कोबालामीन मतलब कौन सी धातु है, कोबाल्ट। जब ट्रेस अमाउंट में होता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, पिंक, इसीलिए इस विटामिन को क्या कहा जाता है, पिंक विटामिन। और इसकी कमी से होने वाला रोग परनीसियस एनेमिया, गुड, क्लास में याद करते जाओ, मैं बार बार रिपीट इसीलिए करा रहा हूँ, परनीसियस एनेमिया। इसमें बच्चों को कौन से कलर का स्टूल होता है, ग्रीन कलर का स्टूल होगा बच्चों में, ठीक है, ये कहलाता है परनीसियस एनेमिया। फिर विटामिन की परिभाषा यहीं से शुरू किए थे, वापस एक बार वहीं से ख़त्म करते हैं कि विटामिन क्या है। तो विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है, इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है, कार्बन से जो मिलकर बना होगा वो कहलाएगा कार्बनिक। तो विटामिन क्या है, विटामिन कार्बनिक पदार्थ है, देखे थे ना इसको, देखो सिंपल फैक्ट है साइंस में, इसी को पूछा है विटामिन क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है, कुछ और दे देगा ऑप्शन, ठीक है। और ये बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन नहीं, विटामिन क्या है तो देखिए हम लोग इसका डेफिनेशन, विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो क्या करता है, शरीर की उपापचयी क्रियाओं में किसके जैसा काम करता है, उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। इट मीन्स द विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ह्यूमन बॉडी के मेटाबॉलिज्म में किसके जैसा कार्य करता है, कैटलिस्ट के जैसा कार्य करते हैं। कल पढ़े थे कैटलिस्ट क्या है, किसी भी अभिक्रिया को बढ़ा देने वाला, उसका क्या कहलाएगा, कैटलिस्ट या उत्प्रेरक। सिंपल है, ऐसी पूछता है मेंस में, दो नंबर में पूछेगा विटामिन क्या है, बस इतना ही लिखना है। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर की उपापचय क्रियाओं में उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। विटामिन दो प्रकार के हैं, जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील, अगर जगह बच रहे तो, बस इतना ही है, दो लाइन लिखना है। अगर अब इसी को मेंस में लॉन्ग क्वेश्चन ने पूछ दिया कि विटामिन्स क्या है, इनके प्रकार बताते हुए किसी को भी दे देगा, इस विटामिन के बारे में वर्णन कीजिए, बस जैसे लिखे हैं वैसे, विटामिन क्या है, विटामिन ये है, विटामिन के कितने प्रकार, दो प्रकार, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। उसके बाद जिस विटामिन को पूछा है, या तो बी पूछेगा, क्योंकि बी में बहुत सारा है, तो उससे लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, या हो सकता है किसी एक विटामिन को पूछ दे, विटामिन B1, दो नंबर, विटामिन B1 के बारे में बताइए। विटामिन B1 इसे क्या कहा जाता है, थायमिन कहा जाता है, थायोमिन नहीं, थायमिन। विटामिन B1 को का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन बी का प्रमुख स्रोत ये है, खत्म, दो नंबर मिल गया, ठीक है। और नहीं जानोगे तो इल्ला, क्या विटामिन B1, कुछ भी लिख दोगे,
विटामिन बी वन एक अच्छा विटामिन है, विटामिन बी वन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, विटामिन बी की कमी से शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं, ऐसे तो लिखोगे ना। तो ऐसा लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। मेंस में कोई अलग से नहीं पूछेगा ना, जो हम लोग पढ़े हैं उसको सही तरीके से आपको प्रेजेंट करना होगा। ये हो गया आपका विटामिन का परिभाषा। विटामिन सी विटामिन डी के अवशोषण में मदद करते तो पढ़ चुके हैं, विटामिन सी हेल्प करेगा विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में, वही वापस सूर्य उसकी पराबैंगनी किरणें, फिर आएगा त्वचा में, त्वचा में विटामिन सी हेल्प करेगा, मदद करेगा उसके अवशोषण करने में, क्या बनाएगा 7-हाइड्रोक्सी कॉली कैल्सी फेरॉल, वही कॉली कैल्सी फेरॉल किसको बोलते हैं D3 को, ठीक है ना, बना देगा। और ये किसमें आएगा, विटामिन डी आ गया, ये विटामिन डी और क्या कर रहा है, कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण कर रहा है। इसका मतलब विटामिन सी विटामिन डी के अवशोषण में मदद करता है और विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है और अल्टीमेटली ये जाता कहाँ है, बोन में, ठीक। तो विटामिन सी अच्छा विटामिन मदद कर रहा है, घाव भर रहा है, विटामिन स्कर्वी से बचा रहा है, विटामिन डी के अवशोषण में मदद कर रहा है, फिर विटामिन डी कहाँ जा रहा है, बोन्स में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आंत्र के जीवाणुओं के द्वारा संश्लेषित विटामिन और है, अच्छा एक और विटामिन सी। तो विटामिन सी शरीर में डिपॉजिट नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि विटामिन बी और सी कैसे हैं, जल में घुलनशील है, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। तो जैसे ही बॉडी में विटामिन सी आएगा तो जल में घुल जाएगा, जल में घुलेगा और यूरिन बनेगा मूत्र, तो मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है। तो विटामिन सी शरीर में स्टोर्ड संचरित मतलब संरक्षित नहीं होता है, स्टोर्ड नहीं होता, वो बाहर निकल जाता है। लेकिन विटामिन डी किस में घुलनशील है, वसा में, जल में घुलनशील है क्या, नहीं। तो विटामिन डी इसलिए बोन में स्टोर्ड हो जाता है। तो जो विटामिन जल में घुल जाएगा, द विटामिन विच विल बी सॉल्युबल इन वाटर, तो वो शरीर में इकट्ठा नहीं होगा। तो मैं अगर मेरे से कोई भी दूसरा विटामिन देगा तो मैं देखूंगा कि ये जल में घुलनशील है कि नहीं, मतलब B1 और C ये बॉडी में स्टोर्ड नहीं होगा, उसके बाद बचा जितना भी वो सब बॉडी में स्टोर्ड होगा। सिंपल है ना फैक्ट, कॉन्सेप्ट समझना, जरूरी नहीं कि विटामिन सी ही दे, कोई विटामिन B2 देगा, आपसे पूछेगा कि क्या विटामिन B2 का शरीर में संचरण मतलब संचय होता है, कि कैन विटामिन B2 एब्जॉर्ब स्टोर्ड इन बॉडी, नीचे दे देगा कथन, उसका कारण वरण कुछ भी दे देगा, तो होगा क्या, नहीं होगा ना, क्योंकि बी और सी विटामिन जल में घुल जाते हैं, जो चीज जल में घुलेगी वो मूत्र में के साथ बाहर निकल जाएगी। द विटामिन द प्रोडक्ट विच विल बी सॉल्युबल इन वाटर दैट विल एलिमिनेट दैट विल एक्सक्रीट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरिन, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आंत्र के जीवाणुओं के द्वारा संश्लेषित विटामिन पढ़ चुके हैं, क्या क्या देख लिए, विटामिन B1 विटामिन B6 विटामिन B7, एक जोड़ोगे 6 में तो 7 आएगा, ये एक ग्रुप है, एक ग्रुप। ये नहीं पूछता है, कम पूछता है, जो मेन है वह आपको बताया था विटामिन B12 और विटामिन K। तो B12 को क्या बोलते हैं, साइनोकोबालेन, बार बार आ गया। विटामिन एक के को कहा जाता है नेफ्थोक्विनोन, क्या कहा जाता है नेफ्थोक्विनोन विटामिन के। तो विटामिन के क्या करता है, रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, इट मीन इट विल हेल्प इन द कोगुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड, वो ब्लड को क्या करेगा, थक्का बनाएगा, क्लॉट बनाएगा, और उसकी वजह से ब्लड जब क्लॉट बन जाएगा तो जो रक्त बह रहा था, जो ब्लीडिंग हो रहा था, जो हैमरेज हो रहा था, वो रुक जाएगा। फिर एक और चीज़ लिखवाया था इसको, कि इसको क्या बोलते हैं, ये स्कंदन में मदद करता है, इसको बोलते हैं स्कंदन कारक विटामिन के को, और क्या कहा जाता है, हिंदी में लिख लो स्कंदन कारक, इंग्लिश में लिखो क्लॉटिंग फैक्टर, विटामिन के इज अ क्लॉटिंग फैक्टर, रक्त का थक्का बनाएगा, पढ़ेंगे हम लोग जब ब्लड पढ़ेंगे तो रक्त का थक्का मतलब ब्लड का क्लॉट बनाने में मदद करता है विटामिन के, ठीक। जैसे आप गिर गए, अगर आपको कहीं चोट लग गई तो चोट लगने के बाद वहां पर थोड़ी देर तक ब्लड बहता है, ब्लड आता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है, क्यों होता है, क्योंकि विटामिन के और दूसरे क्लॉटिंग फैक्टर एक साथ जुड़ते हैं और वहां पर फिब्रिन करके होता है हमारे शरीर का, तो वैसे जाल बना लेते हैं, मैश जाल बनाएगा और उसमें जो ब्लड क्लॉट है इकट्ठा हो जाएगा। यही जब घाव सूख जाता है तो ब्लैक कलर की पपड़ी जैसे बनती है ना, वही है क्या आपका, वो मैश है, मैश, ठीक है, जिसमें विटामिन के है, दूसरे क्लॉटिंग फैक्टर है और फिब्रिन है। वो पूछ रहा है जलता है तो ब्लड क्यों नहीं बहता है और कट जाता है तो ब्लड बहता है। तो हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारी धमनियाँ, ठीक है, उसके छोटे छोटे भाग हैं, तो कटेगा तो बहेगा। लेकिन आप समझना, जब आप किसी चीज़ को जैसे माला वाला पहनते हो, ठीक है, उसका लास्ट वाला सिरा, बस उसका अपन अगरबत्ती जला देते हैं, ऐसे जलाते हैं ना, तो जब कोई चीज़ जलती है तो वो सिकुड़ जाती है, वो हिस्सा बंद हो जाता है,
बंद होगा ना भैया, अगर ये अगर धमनी है, इसमें ब्लड बह रहा है, मैं इसके सिरे को जला दूँ तो ये तो जल जाएगा, और जलने के बाद ये सिकुड़ के बंद हो जाएगा। जैसे एक धागा, एक तार, आप उसको क्या करते हो, अगरबत्ती से जलाते हो तो बंद हो जाता है ना, तो ये बंद हो जाता है। इसको मॉडर्न में बोलते हैं कॉटराइजेशन, कॉटराइजेशन जलाना। तो कॉटराइजेशन जब होगा तो ये धमनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो यहाँ से रक्त आगे नहीं बहेगा। इसीलिए ऑपरेशन करते समय जब चीज़ों को कट करते हैं ना, किसी पेट को या किसी चीज़ को कट कर रहे हैं, तो जब ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है तो उसकी धमनी को धीरे से जला दिया जाता है, ठीक है, छोड़ दें। इसी को छत्तीसगढ़ में बोलते हैं आँकना, आँक दिए। तो छत्तीसगढ़िया लोग ऐसा नहीं लाइटली नहीं लें, जबरदस्ती उसको आँक दिया, आँक दिया, ऐसा नहीं समझना क्यों आँक है उसको। जब वो आँकेगा, जब वो किसी को आँकता है, कॉटरी क्या है, छत्तीसगढ़िया कॉटरी, जब उसको आंख दिया जाएगा आका, तो अब वो वुंड बन गया, घाव बन गया ना, तो घाव भरने के लिए पूरे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम उधर आ जाएगा, आएगा और घाव को भरने की कोशिश करेगा, तो इससे बॉडी में ऑटोमेटिक इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, रोगों से लड़ने की क्षमता डेवलप हो जाएगी ना, होगा कि नहीं। इसीलिए आंका जाता है, बहुत गहरा नहीं आंकते हैं, सुपरफिशियल स्किन की सतह पे आंकते हैं, इससे पूरा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उस घाव को भरने में मदद करता है। घाव को भरने में मदद करेगा तो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा, बढ़ा तो उसकी इम्यूनिटी सिस्टम आ जाएगी। यही कारण है कि इधर कान में पियर्सिंग कराते हैं, शौक नहीं है, कोई परंपरा नहीं है कि इधर अच्छा दिखता है लड़की उसको कराना, ऐसा नहीं, इधर और इधर, इधर भी कराते हैं। कारण है कि जब पेनिट्रेट करते हैं, छेद करते हैं, तो घाव बनेगा, घाव बनेगा तो पूरे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है उस घाव को भरने के लिए लग जाता है, घाव को भरता है तो साथ ही साथ उसकी इम्यूनिटी भी डेवलप हो जाती है। कोई 20-25 साल में जाके ईयर पियर्सिंग नहीं करवाते हैं, बच्चों में कराते हैं 5 महीना 6 महीना, ठीक है। तो पुराने ज़माने में जो भारतीय संस्कार था ना, 16 संस्कार होते हैं, तो उसमें से एक ये भी संस्कार है, मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा जब मेंस दोगे ना, तो ये दर्शन वर्शन पढ़ते ना वहाँ है, कर्ण वेदन संस्कार बोलते हैं, कर्ण वेदन संस्कार यहाँ नहीं करते, कर्ण वेदन संस्कार यहाँ करते हैं। पूरा जन्म से लेके मृत्यु तक के संस्कार कितने, 16 संस्कार। किसने कहा है, दयानंद सरस्वती ने बताया अपनी पुस्तक, दयानंद सरस्वती की पुस्तक, ये दर्शन वर्शन नहीं है उसमें, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। ये जितना भी धर्म दर्शन वर्षन है सत्यार्थ प्रकाश में, वेदों की और लॉर्ड चलो में हिंदू धर्म के बारे में बताया गया, लेकिन जो संस्कार है ना वो सत्यार्थ प्रकाश में किसने लिखा है, दयानंद सरस्वती ने लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका विटामिन B12 और K2। विटामिन ई, इसका दूसरा नाम, रासायनिक नाम ईटी से याद रखे थे, ईट, टोकोफेरॉल। विटामिन ई दो काम करता है, एक तो वो स्टेरिलिटी में हेल्प करता है, और दूसरा क्या करता है, शरीर के कोशिकाओं को फिर से जीवित करता है। तो विटामिन ई, ई और टी से याद किए थे, टोकोफेरॉल, ओके। और इसका सबसे अच्छा स्रोत स्प्राउट, अंकुरित अनाज, गेहूँ, खासकर गेहूँ, खासकर विशेषकर गेहूँ, गेहूँ है, अनाज है, दाल है, कोई भी हो, अंकुरित अनाज हो, गेहूँ और उससे निकला हुआ उसका तेल, ठीक है, ये विटामिन ई का बेस्ट सोर्स होता है। फिर क्या देखें, किस विटामिन में कोबाल्ट हो, सॉरी एक और, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ स्टोर्ड होता है, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है। विटामिन ए का बेस्ट सोर्स क्या देखे थे, दो, एक गाजर और दूसरा कॉड लीवर ऑयल, मछली के लीवर का तेल, कॉड लीवर ऑयल। तो डेफिनेटली अगर वहाँ है तो ह्यूमन बॉडी में भी लीवर में ही आएगा। तो विटामिन ए जब आप खाओगे गाजर तो विटामिन ए बनेगा, वो जाके तुरंत आँख में नहीं चला जाता है, विटामिन ए बना आँख में गया, फिर गाजर खाए, फिर आँख में बना। तो गाजर खाते आपकी आँख की रोशनी बढ़ जानी चाहिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप गाजर खाए फिर उसके बाद उसका पाचन होगा, डाइजेशन होगा, फिर वो बनाएगा विटामिन ए, वो विटामिन ए ब्लड में आएगा, फिर वो विटामिन ए जाके एक जगह स्टोर होगा, कहाँ, लीवर में, लीवर यहाँ पे, इधर नहीं है ना, एक ही लीवर है, कहाँ इकट्ठा होगा, लीवर में। तो विटामिन ए का संचय या स्टोरेज ऑफ विटामिन ए कहाँ होता है, लीवर में। कैटरेक्ट मोतियाबिंद है, तो जो हमारी आंखों की प्यूपिल होती है ना, वो मतलब उसमें एज की वजह से डीजनरेशन और चेंजेस होता है, तो वो कैटरेक्ट है, मोतियाबिंद दो टाइप का होता है, ठीक है। काम का नहीं है ना, आपके काम का नहीं है, कैटरेक्ट अलग, कैटरेक्ट इज अ डिफरेंट वन ना, दैट डजंट डिपेंड ऑन विटामिन ए, ठीक, वो एज रिलेटेड डिजीज है मोतियाबिंद। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, और एक दूसरा विटामिन, विटामिन B6, विटामिन B6 मतलब दूसरा नाम, रासायनिक नाम पाइरीडॉक्सिन, उसी कमी से होने वाला रोग एनीमिया। 6 और 9 से याद किए थे, 6 9 12 6 9 12 6 मतलब पाइरीडॉक्सिन,
9 मतलब फॉलिक एसिड, 12 मतलब साइनोकोबालामिन, तीनों की कमी से एनीमिया है, 6 में 3 जोड़ोगे 9, 3 जोड़ोगे 12, तीनों किससे रिलेटेड है, एनीमिया से। विटामिन B6 में भी एनीमिया, पाइरिडॉक्सिन। विटामिन B9 में भी एनीमिया, फॉलिक एसिड। विटामिन B12 में भी एनीमिया, लेकिन कौन सा, परनीसिया से एनीमिया, ठीक है। तो जो विटामिन B6 है वो स्वप्न जो देखा जाता है, ड्रीम्स, उसको थोड़े और समय तक याद रखने में मदद करता है, ठीक है, मदद करता है। उसका कोई, उसका पैथोलॉजी खोजा नहीं गया कि कैसे मदद कर देगा, ठीक है। तो विटामिन B6 यानी कि क्या, उनसा पाइरिडॉक्सिन, जो रक्त के निर्माण में सहायक होता है और इसकी कमी से एनीमिया होगी, ठीक है। इसका सोर्स वही मांस, दूध, अंडा, ठीक है, तो ये सब। तो इसमें एक और फैक्ट है कि जो स्वप्न है उसको थोड़े लंबे समय तक, ऐसा नहीं कि विटामिन B6 लोगे तो आपको जो स्वप्न आएगा पूरा जीवन भर याद रहे, नहीं, आप स्वप्न देखने के बाद भूल जाते हो, उसकी तुलना में थोड़ा और समय तक उसको क्या करता है, याद रखने में मदद करता है। तो ये हुआ आपका ग्लैंड्स और विटामिन, दो टॉपिक कंप्लीट। ग्लैंड्स और विटामिन इसलिए पढ़ाया हूँ ताकि आप डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ सको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास लेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। कल छुट्टी शायद, कल 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 फ्राइडे है ना, कल तो क्लास लगेगी, है ना, ठीक, कंप्लीट, बंद कर जाए।